बो दिए हैं बीज तो फिर क्यारियां निश्चित खिलेंगी, बो दिए हैं बीज तो फिर क्यारियां निश्चित खिलेंगी, लक्ष्य हैं तेरे अटल तो मंजिलें निश्चित मिलेंगी, लक्ष्य हैं तेरे अटल तो मंजिलें निश्चित मिलेंगी। और मंजिल उनको मिलती है जिनका लक्ष्य अटल होता है। जिन लोगों ने क्यारियों में बीज डाले हैं निश्चित रूप से फूल खिलेंगे, और जिनने मंजिल निश्चित कर ली है, कदम बढ़ा दिए हैं, वो मंजिल तक पहुंचेंगे। भोलानाथ नगर के भोलानाथों, हमने तो एक ही भोलानाथ सुना था, यहां तो ढेरों भोलानाथ है। जिस दिन पहली बार आपने आग्रह किया होगा, शायद सोचा भी नहीं होगा कि हमारा लगाया हुआ बीज इतनी जल्दी हमारा रोपा गया बीज इतनी जल्दी पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और हाथों हाथ फल भी दे देगा। लेकिन जब भावनाओं में तीव्रता होती है, निर्मलता होती है, उत्तमता होती है, तो उपलब्धि भी बहुत जल्दी होती है। संत तो बीज बोने का काम करते हैं। एक फकीर नगर में गुजरता था, पहली बार वो दिल्ली आया और अपनी झोली में से जहां भी उर्वरा भूमि दिखती, जहां भी मिट्टी वाली भूमि दिखती, यूं कुछ बीज फेंक देता। लोग पूछते आप क्या करते हैं, वो कहता है कि मैं बीज फेंकता हूं, ऐसे बीज फेंकता हूं कि जिनसे पौधे बनेंगे, पौधों में फूल लगेंगे। और लोग कहते कि पागल हो गया है, कोई ऐसा इंसान होगा कि मुट्ठी भर भर के बीज फेंकता जाए। बीज कहीं ढंग से लगाए जाएं और कहीं ढंग से उगाए जाएं तो उसका फल भी वापस खाने को मिले, कुछ कीमत भी मिले, कुछ सम्मान भी मिले, लेकिन ऐसे तो क्या होगा। और यूं बीज फेंकता चला जाता। लोग कहते इससे क्या होगा, वो कहता कि इससे बहुत कुछ होगा। एक दिन बीज धरती में जड़ें जमाएंगे, पानी बरसेगा, पौधे बनेंगे, जड़ें जमाएंगे, पौधे बड़े होंगे, पौधों पर फूल आएंगे, फल आएंगे और लोगों के काम आएंगे। और लोग उससे कहते कि लोगों के काम आएंगे कि ना आएंगे, किसने देखा। मुझे जहां तक ख्याल है कि तुम पहली बार दिल्ली आए हो और यूं बीज फेंकते चले जा रहे हो। यानी दम से बुलाओगे तो वो गाना गाते हैं ना, गीत गाते हैं कि कौन कहता है महावीर आते नहीं और तुम चंदना की तरह। ये बात ठीक है। कौन कहता है कि ये बात ठीक है, क्योंकि चंदना उस समय श्राविका है, महावीर उस समय मुनि है। और जब खूब भावना भाई जाती है कि कोई मुनिराज पधारेंगे, उन्हें आहार देंगे, उसके बाद आहार करेंगे, तो वो मुनिराज भी पधार जाते हैं। राजा श्रेयांश ने बुलाया तो आदिनाथ मुनिराज चले आए, श्री राम ने बुलाया तो वन में, सीता ने बुलाया तो आकाश से दो मुनिराज चले आए, और जब चंदना ने बुलाया तो तीर्थंकर महावीर मुनिराज वाली अवस्था में चले आए। और आप लोगों ने बुलाया तो
लेकिन आप जितना बुलाने को उतावले थे उससे ज़्यादा हमारे महाराज आने को उतावले थे। अब कितने घरों में साधुओं के चरण लगते हैं, कितने घरों में मुनियों का पड़गान होता है, ये तो आपके भाग्य पर निर्भर करता है। और एक बात, भाग्य तो तब चमकता है जब आप कोशिश करें, कोशिश ही ना करें तो बोलो। गांधीनगर वालों, बस तो हमें कुछ भी कहें, कुछ ऐसे युवा निकल पड़े कि भले हम चौका लगाएंगे ना लगाएंगे, लेकिन जो श्रावक श्राविका चौका लगाएंगे उनके घरों तक हम शुद्ध पानी पहुंचा करके आएंगे। और अभी जैसे लोगों ने बिहार ग्रुप बनाया है, अभिषेक ग्रुप बनाया है, भैयावृत्ति ग्रुप बनाया है, स्वाध्याय मंडल बनाया है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा उपयोगिता उसकी होगी कि कोई श्रावक श्राविका मुनियों का पड़गहन करना चाहते हैं और शुद्ध पानी चाहते हैं, तो एक ऐसा युवक मंडल हो कि उनके यहाँ शुद्ध वस्त्र पहन करके कुएं का पानी हम घर तक पहुँचाएंगे। और जहाँ आपकी जनसंख्या नहीं है वहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम जहाँ आपका थोड़ा सा दबदबा है, संख्या है, वहाँ तो आपको आगे आगे आकर के समाज की और जनता की सेवा में भी आगे आना चाहिए। जो जन जन की संस्थाएं होती हैं, कॉमन संस्थाएं होती हैं, उनसे भी जुड़ना चाहिए। एक मंदिर के एक मंडल के प्रधान और या अध्यक्ष या मंत्री या कुछ बन गए, उतने अकेले से कुछ नहीं होता है। आम लोगों के बीच में भी उतरो और अपने शुद्ध आचरण के साथ उनके आचरण को भी शुद्ध बनाने का प्रयास करो। सौभाग्य है कि हम इस महान वीतराग जिन धर्म में जन्मे हैं और हमें ऐसे साधु मिले हैं जो चारित्र की सुगंध बिखेरने वाले बीज बोते चले जाते हैं। आज मुनि संघ यहां आया है और छोटे छोटे नियम देंगे। एक वक्त तो युवक नियम लेते वक्त लोग बहुत चतुर हैं। कल हमें साधु बता रहे थे कि हमने इशारा किया उनको कि रात्रि भोजन त्याग है, तो वो इशारा क्या समझा पता नहीं, बोलता है महाराज जी पहले आप खा लो फिर हम खाएंगे। बोले मैंने दूसरे से पूछा हूं तो बोले थे अभी तो 10 ही बजे हैं, अभी नहीं खाया। ये नहीं पूछ रहा, ये क्यों पूछेंगे, तुम्हारा घर है, तुम्हारे भोजन का तो प्रबंध हो ही जाएगा। ये पूछ रहा है कि रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है। ये चारित्र का एक बीज है, अगर आपके जीवन में रात्रि भोजन का त्याग का व्रत आ गया तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा व्रत भी आपके जीवन में जरूर आएगा। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का व्रत आ गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऊंचाइयां जरूर आएंगी। महाराज जी ने इशारा किया हूं आलू खाते हो क्या, वो कहता अभी कोई लड्डू नहीं खाया महाराज जी। आलू का त्याग करो, आप कहोगे इतना जोर क्यों देते हैं महाराज जी लोग, ये त्याग करो वो त्याग करो, खुद भी त्याग कर बैठे, इतना त्याग कर दिया कि तन पर कपड़े भी नहीं बचे, निर्वस्त हैं, पूर्ण दिगंबर काया है, धरती बिछाते हैं आसमान ओढ़ते हैं और माटी की काया से अमृत निचोड़ते हैं। इतना कठिन त्याग और फिर हम श्रावकों को भी इतना त्याग करवाते। ध्यान रखना, जो जितना त्याग करता है वह उतना आगे बढ़ता है और जो जितना ज्यादा तपता है वो उतना ज्यादा निखरता है।
सोने की चमक का कारण उसका तपना है। जितना ज्यादा असंयम होगा उतनी ज्यादा चंचलता होगी, उतनी ज्यादा अस्थिरता होगी, और जितना संयम होगा उतनी संकल्प शक्ति होगी, और जितनी संकल्प शक्ति होगी इंसान उतनी ऊंचाइयां हासिल करेगा। तो हम तो बीज बो रहे हैं, चरित्र के बीज बो रहे हैं, ज्ञान के बीज बो रहे हैं। और ये बीज कभी किन्हीं मुनिराज ने बीज बोए थे तो आपकी समाज से भी साधु निकल पड़े, सुधीर सागर, सर्वार्थ सागर, व्रती बन गए कोई लोग। और आज जो बीज बोए जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर उगेंगे। ध्यान रखिए, साधु बनने वाले साधना करते हैं, सोच करके समझ करके उनकी आराधना और अर्चना कीजिए, कभी उनकी आसाधना और आलोचना मत कीजिए। ये ना समझ लीजिए कि साधु बन गए हैं पता नहीं क्या करते होंगे, डाउट करने लगेंगे, उंगली उठाने लगने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हमारा संघ ऐसा संघ है, कुछ और भी संघ हैं कि आप गौर करिएगा, कहीं भी चले जाएं किसी से पेन भी लेने का कोई काम नहीं होता है, पेन कॉपी भी मांगने का कोई काम नहीं होता है, और आप किसी साधु को देने जाओ तो वो लेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे महाराज जी के आसन के पास रख दो, जिनको जरूरत होगी वो उठा लेंगे। इसलिए कभी भी ऐसी कल्पना करना कि अब सर्वार्थ सागर तो महाराज बन गए तो उनने तो रुपए पैसे भेज करके अपना घर बनवा दिया, बेटे को अमीर कर दिया, ऐसी कल्पना नहीं हो सकती। ये तो महाराज बन गए तो अब इनका तो अच्छा घर बन जाएगा। ज्ञानी साधु घर बनाने के लिए नहीं बनते हैं, साधु तो मोक्ष जाने के लिए बनते हैं। उनने सारी चीजों का ममत्व छोड़ा है। ये बात हो सकती है कि गृहस्थ जीवन में उनका कैसा बर्ताव रहा, गृहस्थ जीवन में हो सकता है कुछ अच्छाइयां रही हों, कुछ बुराइयां रही हों, हो सकता है कुछ लेन देन रहे हो, कुछ लिया हो, कुछ दिया हो, लेकिन कोई अगर सौभाग्य से साधु बन जाए तो उन सारे विकल्पों के ऊपर उठ करके। और इसलिए त्यागी वृत्तियों के परिवार कहीं देखने को मिले तो उनका सम्मान करना सीखो। ठीक है, टिप्पणी करना बिल्कुल गलत बात है। बताइए, जो व्यक्ति पेन भी नहीं लेते हैं, हमारे से तो लोगों को यही शिकायत है, और ज्यादा शिकायत बढ़ती जा रही है रोज रोज। क्या देखते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं? आप बताइए हम क्या बात करें और हम क्या देखें? देखो, ये तो ऐसा सौदा है कि इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है और आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इतना सीधा सच्चा सौदा है जैन धर्म का, मुनिराजों का, कि वो नजर झुका करके मुद्रा बांध करके आएंगे और आप कहीं चौराहे पर, तिराहे पर, मंदिर के पास, अपने घर के पास पड़गान को खड़े होंगे, विधि मिल जाएगी तो नीची नजर करे करे वो आपसे पड़क जाएंगे और आपके घर उनकी चरिया हो जाएगी। और दिगंबर मुनिराज का किसी घर में आना समझ लो कल्प वृक्ष का आना हो गया। आप शोधन कर करके पूरी भक्ति से एक एक ग्रास देते जाएंगे, पूजा करके पाद प्रक्षालन करके हे स्वामी मन शुद्धि बोलो बोलो, देखो तीन शुद्धि तो आप बोल सकते हो, कौन कौन सी? लेकिन चौथी शुद्धि कौन बोल सकता है? जिसने आहार तैयार किया हो। ये जो फर्जी लोग घुस जाते ना चौकी में, अभी पिछली जगह तो ऐसा हुआ रघुवरपुरा में, मैं तो बाहर ही खड़ा रह गया और 40 लोग अंदर। फिर हमने सोचा कि शायद इन लोगों को ही बुलाया होगा, मैं वापिस जाने लगा फिर, और जैसे ही बाहर निकला तो उनका पूरा घर खाली।
और वो अम्मा रोती रोती आई कि महाराज जी आप वापस मत जाइए आप। तो हमने कहा कि हमारे लिए तो पांव रखने की जगह नहीं है। तो जो है सच में आहार जल शुद्ध कौन बोल सकता है? शांति कुमार जी, जिसने बनाया हो आपको ऐसे सौभाग्यशाली पति पत्नी मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे कि पूरे परिवार मिल करके काम करते हैं, उन्हें कोई वर्कर की, हेल्पर की, पड़ोसियों की, इसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम घर में दो सदस्य हैं, चार सदस्य हैं, हम कर लेंगे, हम बड़गान कर लेंगे, हमारे सौभाग्य होंगे तो बड़े महाराज आएंगे, और अगर छोटे महाराज भी आएंगे तो हमारा कोई सौभाग्य कम नहीं होंगे। वो भी हमारे लिए साधु हैं, त्यागी व्रती हैं, वो भी जाप करेंगे, ध्यान करेंगे और हमें पुण्य का वैभव लुटाएंगे। तो ऐसा सीधा सच्चा तो सौदा है, अब क्या बात करना बोलो। कई सारी बातें हैं, मुनि के चरण लगने से बोलते हैं कि घर की आदि व्याधि विपत्तियां दूर होती हैं। हम इस ढंग से बात करें, मुनि मंगल हैं, मुनि उत्तम हैं, मुनि शरण हैं, और अगर वो वहीं पहुंच गए तो किसी तरह की बाधा है, किसी तरह का तंत्र है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो कहते एक तो मुनि, और फिर मुनि के हाथ में ये बहुत बड़ा अभयदान का उपकरण। सामान्य लोगों की दृष्टि में तंत्र का बहुत बड़ा उपकरण है, दुनिया में कोई भी जादू टोना करने वाले होते हैं उनके हाथ में ये रहता है, चार छह पंख होते हैं उनके पास, तो हमारे पास तो पूरे 400 पंख हैं। तो मुनि, मुनि की तपस्या, फिर उनके उपकरण, और मुनि जब कहीं भी किसी घर में पांव रखते हैं तो कहते हैं ढेर सारी समस्याएं तो आप वहां खत्म हो जाते हैं। और क्या सौदा करना है, और क्या बात करना, और क्या पूछना है? पूछो मत, प्रैक्टिकल होता है। कई बातें होती हैं कि पूछना नहीं पड़ना है, बोलना नहीं पड़ता है, होता चला जाता है। बस आप ईमानदारी से भगवान की भक्ति करें, ईमानदारी से प्रभु का वंदन करें, चरणों में जाकर के जाप करें, मुनिराज पधारें तो पड़गान करें, जो छोटे मोटे असाता के उदय हैं, अयस कीर्ति के उदय हैं, सब आप वहाँ धूल की माफिक उड़ जाएंगे। सौभाग्यशालियों मुनिराज विरक्त होते हैं। आप कहोगे वो महाराज जी आए थे, वो तो बात करते थे, वो तो फोन तक करके आशीर्वाद दे देते, भाई मेरे पास नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले साधुओं में अब तक के सबसे गरीब हम ही हैं।